बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास फोर। आज हम पेज नंबर 41 पे जो हमारे क्वेश्चन आंसर हैं दीन हक के रास्ते में सब्र इस्तकामत, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर 4 क्वेश्चन हैं, आज हम इसके आंसर करेंगे। सबसे पहले आपने इस चैप्टर का इस तरह से टाइटल पेज बनाना है। टाइटल पेज बनाने के बाद ये हमारे क्वेश्चन आंसर हैं। सवाल नंबर 1, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ओजरी लाकर किसने रखी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त क्या कर रहे थे? जवाब, उकबा बिन अबी मुईद गया और कुछ काफिरों के साथ मिलकर ऊंट की ओजरी उठा लाया और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रख दी। सवाल नंबर 2, कुरैश ने हज़रत अबू तालिब पर किस तरह का दबाव डाला? जवाब, कुरैश ने कोशिश की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा पर दबाव डालकर इन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमायत करने से रोक दें या फिर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन इस्लाम की दावत से मना कर दें। सवाल नंबर 3, मक्का के मुशरिकों ने शायर और दीवाना किसको कहा? मक्का के मुशरिकों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायर और दीवाना कहा। सवाल नंबर 4 क्वेश्चन, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसके ग़ुलाम थे और उनका मालिक उनके साथ कैसा सलूक करता था? जवाब, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उमिया बिन खलफ़ के ग़ुलाम थे। उमिया आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गर्म रेत पर लिटा कर सीने पर वज़नी पत्थर रख देता और भूखा प्यासा रखता था। ये हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। आपने इस वीडियो के अकॉर्डिंग अपने ही क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। अल्लाह हाफिज़।